कि शॉर्ट टर्म में फर्म को कंपनी को कब बंद कर देना चाहिए। हमें ये जो टोटल एवरेज कॉस्ट हम लोग देखते हैं, क्योंकि प्राइस पर यूनिट होता है, एवरेज कॉस्ट भी पर यूनिट होता है। अगर मैं एवरेज कॉस्ट देखूँ, एवरेज कॉस्ट में दो चीजें हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी और एवरेज वेरिएबल है। अगर मैं शॉर्ट रन की बात करूँ, तो शॉर्ट रन में जब आप न्यू कंपनी खोलते हो तो आप शॉर्ट रन में क्या सोचते हो कि वेरिएबल कॉस्ट फिलहाल निकल जाए, फिक्स कॉस्ट में धीरे धीरे करके कवर कर लूंगी। क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी आप शॉप खोलते हो प्राइस थोड़े कम रखते हो ना, कि जब लोग जानने लग जाएंगे, कंपनी को पहचानने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे लोग प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करेंगे और मैं प्राइस अपने क्वालिटी के हिसाब से थोड़े थोड़े बढ़ाती जाऊँगी। यही चीज़ सोचते हो तो आप स्टार्टिंग में क्या सोचोगे कि मैं कंपनी को फिलहाल शॉर्ट टर्म में तभी चलाऊंगी जब मेरा प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से मुझे ज़्यादा दे रहा है, या तो इसके इक्वल दे रहा है या इससे ज़्यादा दे रहा है, तब कंपनी को चलाऊंगी। बट अगर प्राइस जो है आपको अपने प्रोडक्ट का वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी अगर कम मिलता है, आपका प्रोडक्ट का प्राइस एबीसी को भी कवर नहीं कर पाता, वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा, तो ऐसे सिचुएशन क्या करोगे, कंपनी चलाना चाहोगे? नहीं। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड शट डाउन। फिर इसमें मैंने ये भी बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ का एबीसी को जब वो कट करता है तो अपर स्लोपिंग पार्ट सप्लाई का होता है, वो भी बताऊंगे। ठीक है, कौन सा प्रोड्यूसर बेटे क्लास में की थी नहीं? हाँ जी, और कहीं बताऊंगी क्या है बेटा, क्लास आपने अभी अटेंड नहीं करी है तो पेशेंस रख लो।